दोस्तों, नादोदी के ऐतिहासिक खेल मैदान पर आज के दिन का यह दूसरा पहला मैच खेला गया और इसमें बड़े मार्जिन से 72 रनों से जीत दर्ज की है यहाँ पर। और आइए सीधा ही मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ हमारे कैप्टन से, और कैप्टन से पूछेंगे किस तरह की उनकी स्ट्रेटेजी रही थी और जो स्कोर उन्होंने बताया था उस स्कोर को वो कितना सिक्योर समझ रहे थे। मिस्टर विजय जी, बताना, सबसे पहले तो आपके लिए बहुत बहुत बधाई। आपके लिए सबसे पहले जानना चाहेंगे, कल का जो मैच आपने पूरा देखा था और आज जो दूसरे विकेट पर मैच था, किस तरह का स्कोर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे और क्या प्लानिंग थी आपकी सबसे पहले? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैच की प्लानिंग हमारी पहले से क्लियर थी कि शुरुआत में हमें विकेट बचाने हैं और एक अच्छा शुरू में पार्टनरशिप क्रिएट करनी है, उसके बाद एक अच्छा स्कोर खड़ा करने के बाद में हम सोच रहे थे बन ब्रिजी का स्कोर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और लगभग उसके आसपास हमारी टीम ने बहुत अच्छा बल्लेबाजी की, हमारे दीपक ने, हमारे लव ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है ना, इससे हमारा एक अच्छा स्कोर यहाँ पर खड़ा हो गया था। उसके अलावा हमारे पास अच्छे स्पिनर थे और इस विकेट पर स्पिनर बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, विशेषकर मैंने, लव ने, रमेश ने अच्छी बॉलिंग की, हमारे जो अजीत थे उसने बहुत अच्छी बॉलिंग करी। शुरुआत में हमारे सारे बॉलरों ने बहुत अच्छी सोच समझ के बॉलिंग की और सामने वाली टीम को हमने एक कम स्कोर पर ऑल आउट करके एक अच्छी खासी जीत हासिल की। तो ये एक बहुत बड़ी मार्जिन की जीत है और सबसे बड़ी जीत इस जीत के साथ ही आपकी टीम का बहुत मनोबल बढ़ा होगा और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने जो अपने गेंदबाजों का यूज किया वो बहुत बखूबी इस्तेमाल किया, सामने वाली टीम ने भी स्पिन गेंदबाजी बहुत अच्छी देखने को मिली, क्या आपके दिमाग में पहले से ही प्लानिंग थी कि हम स्पिनरों से गेंदबाजी करवाएंगे? बिल्कुल, मैं पहले मीडियम पेस करता था लेकिन मैंने देखे स्पिन गेंदबाजी यहाँ की है तो स्पिनर कल का जो मैच हुआ था हमने देखा था कि स्पिनर काफी प्रभावशाली रहे थे, तो इस हिसाब से हमने प्लान कर रखा था कि स्पिनर्स को ज्यादा हम इसमें यूज करेंगे और हमारे स्पिनर्स ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की और सामने वाली टीम के सारे विकेट से निकाल दिए, तो इस जीत का क्रेडिट है स्पिनर्स को और हमारे अजीत भाई ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। शुरुआती जो ओवर थे हमारे तेज गेंदबाजों, दोनों तेज गेंदबाजों ने अच्छा दबदबा बनाए रखा, बल्लेबाजों को खुलकर ज्यादा रूम नहीं दिया था। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी थी, सबसे बड़ा जो दबाव होता है जब शुरुआती विकेट आपके गेंदबाजों ने आपको लाके दे दिए तो सामने वाली अंडर प्रेशर आ जाती है। तो इस जीत के साथ ही आज के जो मैन ऑफ द मैच है, आज के मैन ऑफ द मैच हमारे सामने विजेंद्र सिंह खटाना और इस मैन ऑफ द मैच को देने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा बीरू जी को। आइए सर, जोरदार तालियां आप सभी की। इस मैन ऑफ द मैच के लिए आपको बहुत बहुत बधाई और आगे के लिए आपको गुड लक। पूरी टीम को अच्छा प्रदर्शन करने के लिए मेरी ओर से हार्दिक बधाई और इसी प्रकार खेलते रहो, यंग लड़के हैं, कम ऑन लड़के, बहुत बढ़िया खेले हैं आप सभी।